हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ बैकअप और रिस्टोर कैसे करें इस वीडियो में। सो यहाँ पर पैरागन हार्ड डिस्क मैनेजर 17 वर्जन बिजनेस एडिशन मैंने डाउनलोड करके रखा है और इंस्टॉल भी कर दिया। सो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, थोड़ा लोडिंग होने के लिए 1-2 मिनट्स टाइम लगेगा। सो यहाँ पर बैकअप सोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। सेलेक्ट करने के साथ आपको यहाँ पर डिस्क वॉल्यूम सेलेक्ट करना चाहिए, सी ड्राइव। सो सी ड्राइव मतलब विंडोज़ ओएस है वो, ओके कर देना चाहिए। यहाँ पर डेस्टिनेशन सी ड्राइव बैकअप कहाँ रखना है डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर डी ड्राइव मैंने सेलेक्ट कर दिया। डी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर क्रिएट करने का टाइम यहाँ पर रिनेम कर दूंगा, विंडोज़ बैकअप 17 बोल के क्रिएट कर लिया मैंने। सो यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर राइट साइड में आपको बैकअप नाउ बोल के दिखाएगा, बैकअप नाउ क्लिक कर देना चाहिए। सो यहाँ पर सी ड्राइव बैकअप डी ड्राइव में रख रहे हैं हम लोग विंडोज़। सो ऐसा रखने से आप लैपटॉप कभी भी नया परचेस करने के टाइम में इनबिल्ट विंडोज़ ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होके आएगा। सो एक बार वो मिस हो गया ना, दूसरी बार नहीं मिलेगा। इसलिए ये सॉफ्टवेयर बैकअप रखने के लिए बहुत यूज़फुल रहे। सो यहाँ पर मैंने बैकअप सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर बैकअप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 या 6 मिनट्स का टाइम लगेगा। सो यहाँ पर आप ये फुल वीडियो आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या प्रोसेस चल रहा है इस वीडियो में। और इसी वीडियो में मैं आपको रिस्टोर कैसा करना है वो भी दिखा दूंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको देखे तो 1 से 2 बार देखे तो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर डाटा कॉपी हो रहा है और ये बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया कैसा मालूम होगा, ऐसा भी डाउट आएगा। अभी यहाँ पर डिस्क वॉल्यूम है ना और फोल्डर, ये दो के बीच में एक सर्किल छोटा ब्लू कलर में रोटेट हो रहा है ना, वहाँ पर आपको राइट मार्क आएगा तो बैकअप सक्सेसफुली हो गया। मतलब अगर कुछ भी एरर दिखाएगा तो वो बैकअप सक्सेसफुली नहीं हो गया मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ टाइम लगेगा बैकअप कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पर रिमेनिंग टाइम 2 मिनट्स का दिखा रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर बैकअप कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो एरो मार्क कंप्लीट हो गया, ऐसा राइट मार्क आ गया, बैकअप कंप्लीट है, ओके कर देना चाहिए। अभी आपको ये बैकअप कहाँ पर सेव हो गया
अभी आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ओके करने के साथ एक बार मिनिमाइज करके देख सकते हैं आप। सो यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लिया मैंने, दिस पीसी में जाके डी ड्राइव ओपन करके विंडोज़ बैकअप 17 बोल के ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पर बैकअप का फाइल्स पूरा शो होएगा आपको। अभी यहाँ पर आपको रिस्टोर कैसा करना चाहिए इसी वीडियो में अभी आपको फुल डिटेल में दिखाऊंगा। सो यहाँ पर ये प्रोसेस बैकअप का अभी तक हो गया। अभी यहाँ पर रिस्टोर के लिए सेलेक्ट करना चाहिए बैकअप का फाइल, यहाँ पर सी ड्राइव सेलेक्ट करना चाहिए, नीचे रिस्टोर नाउ बोल के क्लिक कर देना चाहिए। सो यहाँ पर सिंपल एक तरीका है, यहाँ पर सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर माई बैकअप के पास क्लिक कर दिया है मैंने, रिस्टोर नीचे डाउन क्लिक कर दिया मैंने, सी ड्राइव सेलेक्ट करने के साथ रिस्टोर कर देना चाहिए। यहाँ पर रिस्टोर करने से पहले ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर ये दो ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। सो यहाँ पर चेकिंग होएगा रिस्टोर फाइल उस ड्राइव में है या नहीं है बैकअप का। चेक करने के साथ आपको यहाँ पर और एक डायलॉग बॉक्स आएगा। सो अभी आपको यहाँ पर शो होएगा। सो यहाँ पर एक वन मिनट का टाइम लेगा, बोलते एक वन मिनट के बाद आपको शो होएगा। सो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो चुका। यहाँ पर आपको एक बार पीसी रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर पीसी रिस्टार्ट करना चाहिए, रिस्टार्ट द कंप्यूटर सेलेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर राइट मार्क आने के साथ ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर रिस्टार्ट होने के साथ दूसरा कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते, अगर करे समझो बैकअप का वो जो फाइल है ना वो करप्टेड हो जाएगा और वो यूज़फुल भी नहीं होगा, बैकअप रिस्टोर में भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट मेन लैपटॉप चार्ज प्लग इन रख लेना चाहिए, चार्ज 50% तो भी रहना चाहिए, रहने के साथ आप इसका प्रोसेस में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसा रिस्टार्ट होने के साथ ऐसा कमांड सेक्शन आएगा, यहाँ पर कुछ लोडिंग होएगा, लोडिंग होने के साथ आपको यहाँ पर मिनिमम एक 5 मिनट्स का टाइम लगेगा रिस्टोर होने के लिए, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो यहाँ पर फ्लशिंग होएगा, होने के साथ यहाँ पर पूरा डाटा रिस्टोर होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सो यहाँ पर अभी 51-52% ऑलरेडी फिनिश हो चुका है रिस्टोर। सो यहाँ पर और एक 5 मिनट्स का वेट करें तो ये रिस्टोर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट आपके पास लेकर आऊँगा मैं। सो यहाँ पर 60% कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, और ये प्रोसेस करने का टाइम में लैपटॉप स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, अगर स्विच ऑफ करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लैपटॉप का हार्ड डिस्क करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर थोड़ा कुछ टाइम लगेगा,
और ये डिपेंड प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड रहेगा, स्पीड, बैकअप और रिस्टोर का। अभी रिस्टोर हो रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसर स्लो हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड रहेगा ये। इसलिए अगर आपके पास i5 i7 प्रोसेसर रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सो यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा पीसी। सो यहाँ पर रिस्टार्ट होने के साथ आपका विंडोज़ रेडी हो चुका है, सक्सेसफुली रिस्टोर भी हो चुका है। पहले आप कैसा सेटिंग करें वही सेटिंग्स में आपको रिस्टोर में आ जाएगा।